Good morning students. Welcome to pole Science class. Today we are going to discuss our next two topics of the running chapter, chap, uh, chapter number 14, challenges to the Congress party. Your first topic is defection means dalbadal, and second spilt in the Congress. Congress may there are so let us discuss our first topic: defection dalbadal. Another important फीचर ऑफ the politics आफ्टर the 1967 election was इलेक्शन role played रोल प्लेड in the इन and मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ the इन द स्टेट्स जो उन्नीस के बाद जो चुनाव हुए थे उस टाइम की राजनीति में बदलाव क्या आया था कि दल बदल की नीति ने क्या किया था बहुत से राज्यों के अंदर सरकारें बना भी दी और बहुत से राज्यों में सरकारें गिरा दी थीं मतलब मे रोल प्ले किया डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीवस द पार्टी सिम्बल ही और शी वॉज इलेक्टेड एंड ज्वाइन अनदर पार्टी डिफेक्शन का मतलब होता है जब कोई चुनाव और प्रतिनिधि जिस पार्टी की सीट पर जीता है जीता है और उसके बाद वो उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं डिफेक्शन बोलते हैं आफ्टर द नाइनटीन सिक्सटी सेवन उन्नीस सौ सासठ के बाद जनरल इलेक्शन द ब्रेक वे कांग्रेस लेजिस्लेचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन हरियाणा इन थ्री स्टेट्स हरियाणा मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इसी तरीके से हरियाणा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनने में डिफैक्शन दल बदल ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था द कंस्टेंट रिलीजमेंट एंड शिफ्टिंग पोलिटिक्स लॉयल्टीज़ इन दिस पीरियड गेव राइज टू द एक्सप्रेशन आया राम गया राम तो इससे क्या हुआ एक जुबला फेमस हो गया आया राम गया राम जो जो आया राम है दिस इंसिडेंट इज़ रिलेटेड विद एम एल ए एन एम एल ऑफ़ हरियाणा स्टेट द एक्सप्रेशन आया राम गया राम ओरिजिनेटेड इन एन अमेजिंग फीट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग अचीवड बाय गया एन एम एल इन हरियाणा ये जो जुबला फे, फेमस हुआ था ये गयालाल से संबंधित है जो हरियाणा के विधायक थे एंड इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन उन्नीस सौ सतासठ में हरियाणा से चुने हुए विधायक थे एंड ही चेंज हिज पार्टी थ्राइस इन ए फोर्थ नाइट उन्होंने पंद्रह दिनों के दौरान अपनी पार्टी को तीन बार बदल लिया था फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट पहले कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट में चले गए फिर बैक टू कांग्रेस फिर फिर कांग्रेस में आ गए एंड देन विद इन नाइन और फिर नौ घंटों में फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए एंड इट इज सैड दैट इसलिए ऐसा कहा गया था वैन गैल डिसाइडेड डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड ज्वाइन द कांग्रेस जब उन्होंने दोबारा फिर से अपनी इच्छा जाहिर की कि वो यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ना चाहते हैं और वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं सो द कांग्रेस लीडर राव वीरेंद्र सिंह ब्रॉट हिम टू चंडीगढ़ वो से चंडीगढ़ ले गए और डिक्लेयर्ड गया राम वॉज नाउ आया राम जो गया राम था अब वो आया राम बन चुका है इस तरीके से जुमला फेमस हो गया था हरियाणा के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर भी नेक्स्ट स्पिल्ट इन कांग्रेस कांग्रेस में जो फूट पड़ गई थी दरार पड़ गई थी क्या वही दैट आफ्टर द नाइनटीन सिक्सटी सेवन इलेक्शन उन्नीस सौ सतासठ के इलेक्शन के बाद द कांग्रेस रिटेन पावर एट द सेंटर कांग्रेस सेंटर में तो उन्हें सत्ता मिली बट विद द रिड्यूस मेजोरिटी लेकिन उसका बहुमत बहुत कम हो चुका था लोस्ट पावर इन मैनी स्टेट्स और कई राज्यों के अंदर उनकी सरकार जा चुकी थी मोर इम्पोर्टेंटली इससे महत्वपूर्ण बात क्या थी द रिजल्ट प्रूवड दैट इन रिजल्ट ने बता दिया था परिणामों ने बता दिया था चुनाव के क्या कि कांग्रेस कुड भी डिफीट कांग्रेस को हराया जा सकता है एट द इलेक्शन बट देयर वाज नो सब्सिट्यूट एज एट अभी तक तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं था कोई विकल्प नहीं था कांग्रेस का सो मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिजन गवर्नमेंट इन द स्टेट्स डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग जितनी भी गैर कांग्रेस सरकारें बनी थी गठबंधन से वो ज़्यादा लंबे समय तक ने टिक नहीं पाई थी एंड दे लॉस्ट मेजोरिटी उन्होंने अपना बहुमत खो दिया था एंड इधर न्यू कॉम्बिनेशन वर्क फॉम्ड या फिर दोबारा फिर से कोई गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश की थी या फिर अदरवाइज फोर्म्ड और या प्रेजिडेंट्स रूल है टू बी इम्पोज या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को थोप दिया गया था राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था नाउ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट ग्रुप द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन जो वास्तविक जो चुनौती मिली थी इंदिरा गांधी को वो अपोजिशन से नहीं मिली थी बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी बल्कि उसकी खुद की पार्टी से ही मिली हैड टू डील विद द सिंडिकेट उसे सिंडिकेट से निपटना था ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुशियल लीडर सिंडिकेट जो था ये ग्रुप था पावरफुल लीडर्स का जिनका काफ़ी डोमिनेंस था प्रभाव था विद इन द कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में एंड द सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर बाई इंश्योरिंग हर इलेक्शन एज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी जो सिंडिकेट ग्रुप था इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री मंत्री बनने की प्रक्रिया में उसको प्रधानमंत्री बनाने में जो मेन रोल प्ले किया गया था वो सिंडिकेट ग्रुप के द्वारा ही किया गया था दीज लीडर एक्सपेक्टेड दैट इन्होंने ये उम्मीद की थी कि इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस इंदिरा गांधी इनके एडवाइस को फॉलो करके सलाह मानेगी एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे हाउ एवर इंदिरा गांधी टू असर्ट हर पोजिशन विद इन द गवर्नमेंट उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया इंदिरा गांधी ने एंड द पार्टी एक अलग स्थान बना लिया पार्टी में अपना एंड शी चूज़ हर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ एडवाइजर फ्राम आउटसाइड द पार्टी उसने अब पार्टी से बाहर एक सलाहकार ग्रुप बना लिया था एंड स्लोली एंड केयरफुली शी साइड लाइंड द सिंडिकेट और धीरे धीरे उसने सिंडिकेट ग्रुप को साइड में कर दिया था मतलब उनसे किनारा करना शुरू कर दिया था इंदिरा गांधी दस फेस टू चैलेंज इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया शी नीडिड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्राम सिंडिकेट उसे आजाद होना था इंडिकेट ग्रुप सिंडिकेट ग्रुप से

ए सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल उसने एक सिंपल स्ट्रगल को क्या बना दिया एक विचारधारा का स्ट्रगल बना दिया संघर्ष बना दिया शी लॉन्च बिन स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी ए लेफ्ट ओरिएंटेशन उसने सरकार की जो नीतियाँ थी उसको वामपंथी टच देना शुरू कर दिया एंड शी गोट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट ए टेन पॉइंट प्रोग्राम इन मई नाइनटीन सिक्सटी सेवन और दस नए बिंदुओं पर दस नए मुद्दों पर उसने पूरा पॉलिटिक्स करना शुरू किया एक एजेंडा बना जैसे दस पॉइंट ऐड कर दिए एंड दिस प्रोग्राम इंक्लूड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स इसमें क्या क्या था जो भी बैंक्स है उसके ऊपर उसका राष्ट्रीयकरण करना था उस पर कंट्रोल करना था गवर्नमेंट ने सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड थर्ड सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड फोर्थ इनकम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन खादान का वितरण नेक्स्ट था लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट टू रूरल पुअर और जो गरीब लोग हैं उनको आवास मुहैया करवाना वाइल द सिंडिकेट लीडर्स फॉर्म लिव अप्रूव दिस लेफ्ट विंग हालांकि उन्होंने इस प्रोग्राम को अप अप्रूवल तो दे दी बट दे हैड सीरियस रिजोशन अबाउट द सेम इसको लेकर वो थोड़ा सा भी संदेह में थे नेक्स्ट पॉइंट प्रजिडेंशियल इलेक्शन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन नाइनटीन सिक्सटी नाइन

टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम ओपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड संजीव रेड्डी मतलब सिंडिकेट ग्रुप ने इंदिरा गांधी जी के मना करने के बावजूद भी संजीव रेड्डी को मत मैदान में उतारा एज ऑफिशियर कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में फॉर द इंश्योरिंग प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इंदिरा गांधी रिटेलिएट बायकरेजिंग दैन वाइस प्रेजिडेंट वी वी गिरी टू फाइल द हिज नॉमिनेशन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया वी वी गिरी को कि वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े एंड शी आल्सो अनाउंस्ड उन्होंने यह भी अनाउंस कर दिया क्या कि सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसीज मेजर्स लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ फोर्टीन लीडिंग प्राइवेट बैंक के चौदह बैंक को राष्ट्रीयकरण किया जाएगा एंड अबोलिशन ऑफ प्रीवी वी प्रस्यू प्री खत्म कर दिया जाएगा जो स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे टू द फॉर्मर प्रिंज वो सब खत्म कर दिए जाएंगे मुरारी देसाई वो द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो मोरारजी देसाई थे उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उन्होंने नाराज होकर इंदिरा गांधी से किनारा कर लिया था सो ऑन बोथ द अबव इश्यूज सीरियस डिफरेंसेस इन बिटवीन हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग देसाई लीव द गवर्नमेंट मोराजी देसाई ने क्या कर दिया मतलब सरकार को छोड़ दिया था एंड कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस इन दिस काइंड द पास्ट कांग्रेस ऐसे डिफरेंसी पहले भी देखे थे पीछे बीते हुए टाइम के दौरान बट दिस टाइम बहुत द पार्टीज वॉन्टेड टू शो डाउन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन अब दोनों पार्टी सिंडिकेट ग्रुप और कांग्रेस दोनों दिखाना चाहते थे कि दोनों से पावरफुल कौन है सो दैन दैन कांग्रेस प्रेजिडेंट एंड संजीव एंड जलप्पा ईशूड अप आस्किंग ऑल द कांग्रेस एम पीज एंड एम एल एज टू वोट इन फेवर ऑफ संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपील की सभी लोगों से कि वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उसकी फेवर में वोट डाले संजीव रेड्डी के वोट फेवर के अंदर एंड द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी तो वो पार्टी कैंडिडेट भी थे एंड सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वजिशनड ए स्पेशल मीटिंग ऑफ ऑफ द ए एल सी सी मीन्स दैट इज़ वाई दिस फंक्शन केम टू बी नोन एज द रिक्वजनिस्ट बट दिस ट वॉज रिफ्यूज इंदिरा गांधी ने परमिशन मांगी कि वो एक अलग मीटिंग करना चाहती है कैंडिडेट के रिगार्डिंग एंड अब लेकिन पार्टी ने मना कर दिया एंड आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग बी वी गिरी द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड द कंसाइंस वोट अब प्रधानमंत्री ने ओपनली बोला कि अपनी अंतरात्मा से वोट दीजिए विच मींट दैट द एम एम एल ए और एम पीज़ फ्रॉम द कांग्रेस शुड बी फ्री टू वोट द वे दे एवॉर्ड अब वो मतलब जितने भी एम एल ए और एम पीज़ थे वो आजाद थे किसी भी उम्मीदवार को वोट डालने के लिए एंड द डिफ़ीट ऑफ संजीव रेड्डी द ऑफिशियल कैंडिडेट द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्टेड जैसे इलेक्शन का परिणाम आया चुनाव का परिणाम आया इन द विक्ट्री ऑफ वी गिरी वी वी गिरी जीत गए थे एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और जो संजीव रेड्डी जो कांग्रेस कौं, पार्टी के कैंडिडेट थे वो हार गए थे सो द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मेलाइज द स्पिल्ट इन द पार्टी इससे क्या हुआ पार्टी के अंदर दरार आ गई फिर विचारों मतभेद होना शुरू हो गया कांग्रेस प्रेजिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी कांग्रेस प्रेजिडेंट ने क्या किया इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया एंड शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वॉज द रियल कांग्रेस उसने इंदिरा गांधी ने दावा किया कि उसकी जो ग्रुप है वो असली कांग्रेस है बाई नवंबर 1969, सिक्सटी नाइन द कांग्रेस ग्रुप लेड बाई द सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड एज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिंडिकेट ग्रुप था उसके ग्रुप को क्या बोला गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन But the old Congress and the group led by Indira Gandhi came to be known as Requisitionist, means New Congress. So, these two parties were also described as Old Congress and New Congress. Indira Gandhi projected the split as an ideology divide between socialist and conserv conservatives, between the pro poor and the pro rich. So, dear student, today we have discussed two different topics. So, I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.